हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने जब फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था तभी बाजरा की खेती की थी। अब फसल तब उगई थी, काफ़ी छोटी थी। अभी आप देख सकते हैं यहां पर कुछ कुछ पौधे बाजरा के जो इतने बड़े हो सकते हैं जहाँ तक मैं हाथ भी नहीं पहुँचा सकता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, वहाँ तक मतलब मैं हाथ भी नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। मतलब इतने बड़े हो चुके हैं, काफी बड़ी फसल हो चुकी है। काफी बड़ी फसल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा मैं राजस्थान से हूँ। आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूप रहती है। यहाँ पे धूप काफ़ी अधिक रहती है और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो यहाँ पे अभी धूप कम है। तो आप राजस्थान से हूँ मैं तो धूप आप मेरे व्लॉग में अभी तक क्यों नहीं आई? तो इसका पहला कारण है कि अभी मैंने जो फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया है तब से अब तक रोजाना डेली बारिश आती रहती थी। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आपको पता होगा बरसात के मौसम में तो राजस्थान में बरसात भी काफ़ी होती है, तो इसलिए कभी धूप निकली नहीं मैंने जब व्लॉग शूट किया। और बीच में कभी एक दो बार निकली होगी तब मैंने व्लॉग को शूट नहीं किया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको भी धूप का नज़रिया दिखाऊँ, आपको भी दिखाऊँ धूप में जो खिलखिलाते बाजरी के पौधे हैं। तो चलिए अभी नज़ारा देखते हैं धूप में कैसा नज़ारा रहता है राजस्थान में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब कितना अच्छा नज़रिया है हरियाली, मतलब धूप की वजह से कितनी खिल रही है पीछे हरियाली। अभी मैं जैसे ही अपनी छत के ऊपर यहाँ से सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी धूप है। आज मैं आपको पूरी राजस्थान में कैसी धूप रहती है वो सब बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पीछे सूरज की रोशनी काफ़ी अधिक है और उसी रोशनी से यहाँ की हरियाली कितनी अच्छी चमक रही है। ये चमकती हुई हरियाली और लहराती हुई बाजरी का कुछ यहाँ पर बहुत ही मस्त अंदाज में व्यू आ रहा है ऊपर से। ये मेरे घर के चारों ओर का व्यू है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही मस्त व्यू है। और एक बात है, यहाँ पे हमारे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पे टावर लगा हुआ है, मतलब हमारे घर के बहुत ही पास, तो यहाँ पे नेटवर्क का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइट भी है हमारे यहाँ पे, तो ऑफिशियली हमको यहाँ पे रहने में गांव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई कई ऐसे गांव भी होते हैं जहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं होती है, जहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं होता है, तो ऑफिशियली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम है बस, यहाँ पे अभी तक सड़क नहीं आई हुई है, परंतु यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और उधर मैंने आपको बताया माई फर्स्ट ब्लॉग में जो मेरा खेत है उधर 4 किलोमीटर दूर और एक इधर पास में ही 1 किलोमीटर दूर दोनों तरफ से आई हुई है। वो आपस में मिल जाए तो घर अपना बीच में ही पड़ता है, तो वो सड़क आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाएगी, पर बीच में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं वरना कब की मिल जाती है। दोस्तों, अभी ऊपर छत पे कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए तो ऊपर काफी हीट है, प्रकाश की रोशनी सीधी गिर रही है इसलिए फोन हीट हो गया है, टेम्परेचर हाई दिखा रहा है। इसलिए दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।